गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 3rd चैप्टर 1, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर द रिस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड द यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेंट ऑफ द वर्ड्स। A chemical equation represent a chemical reaction if you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, there a word equation can be written as। देखिए केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन अगर हम वर्ड में लिखते हैं ना, उसको फार्मूला लिखे, मतलब अगर हमको मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रेट करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बनाया है, तो अगर हमको मैग्नीशियम का फार्मूला, ऑक्सीजन का फार्मूला और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का फार्मूला प्लस ऑक्सीजन का फार्मूला एरो फिर हमारा जो प्रोडक्ट बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। तो इस तरह हम केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। इज नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड्स। If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. Such a chemical equation is a skeleton chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeleton chemical equation for the burning of the magnesium oxide. यहाँ पर देखिए, जब हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को से रिएक्ट कराया तो क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में एटम्स के नंबर बराबर होने चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ अगर देखते हैं तो अगर एटम्स के नंबर बराबर हैं तो वो क्या कहलाएगी, बैलेंस इक्वेशन, और अगर एटम्स के नंबर बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, अनबैलेंस इक्वेशन। अभी हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, 1, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 1, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1, तो यहाँ पर हमारे जो, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जितना मास होता है मॉलिकुलर मास, उतना ही मॉलिकुलर मास राइट हैंड साइड का, जितना रिएक्टेंट का टोटल मॉलिकुलर मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मॉलिकुलर मास होना चाहिए, तभी इक्वेशन क्या होती है हमारी, बैलेंस होती है। यहाँ पर हमारी क्या इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी कैसी है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम देख रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। हमने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ द मास, मतलब मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। अब हम देखते हैं, तो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, जितना रिएक्टेंट का टोटल मास है उतना ही प्रोडक्ट का मॉलिकुलर मास होना चाहिए। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो एटम्स के जो नंबर हैं वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम ही रहने चाहिए। हेंस वी नीड अ बैलेंस स्केलेटन इक्वेशन। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कैसे हम बैलेंस करते हैं ये भी आप देखेंगे। फर्स्ट हमने देखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया, तो ये हमारे क्या हो गया, रिएक्टेंट। इससे हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हम इसको फार्मूला वाले में लिखेंगे, जिंक का फार्मूला ZN, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हो गया हमारा H2SO4, और यहाँ पर हम जिंक सल्फेट का फार्मूला जिंक ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये हमने फार्मूला रूप में लिख लिया। अब हम इन्हें एटम्स की गिनती करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ZN, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट इनमें शामिल हैं, ठीक है। ये हो गया जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सेम यहाँ भी है। अब यहाँ पर जिंक,
ठीक है, रिएक्टेंट में जिंक कितना है, वन, यहां पर जिंक कितना है, वन, दोनों साइड वन वन, हाइड्रोजन इस साइड हाइड्रोजन कितना है, टू, ये जो नीचे लिखा है टू, ठीक, यहां पर हाइड्रोजन टू, चलिए बैलेंस है। सल्फर, सल्फर यहां पर वन है देखिए, ठीक है, इधर भी वन है कंप्लीट। ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन फोर है और यहां पर हमारी भी ऑक्सीजन फोर है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। दूसरी हम इक्वेशन देखते हैं, देखिए ये फेरस प्लस वाटर क्या बनाया हमारा, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब हम इसमें देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले हमने इसके एलिमेंट देखा, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग। पहले तो हम इनको सबको बॉक्स में रख देंगे और इसके इन बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी करेंगे बॉक्स के बाहर करेंगे। द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट, अब इनको हम देखेंगे कितने कितने हैं, हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हैं, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए फेरस इस साइड कितना है, वन वन, इस साइड कितना है, थ्री, ये। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट हैंड साइड कितना है, टू, यहाँ पे भी हाइड्रोजन टू। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर वन, यहाँ पर ऑक्सीजन फोर, तो ये अभी बैलेंस नहीं है। तो अब हम ये हमने ये सब लिख लिया है टेबल में, अब देखते हैं। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इफ मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, देयर आर फोर ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली वन इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले वो एलिमेंट्स लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, तो इनमें सबसे ज्यादा एटम्स किसमें, ऑक्सीजन में, कितने हैं यहाँ पर Fe3O4 में फोर है, ठीक। और हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो ओनली वन है, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करें। पहले हमारे यहाँ पर कितना था, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में फोर है और लेफ्ट हैंड साइड में वन है, अब हमको इसको फोर करना है, ठीक है। तो फोर करने के लिए अगर हम यहाँ पर फोर लगा दें, ठीक है, H2O के जस्ट पहले हम फोर लिख दें, ठीक है। तो अगर तो अब हम यहाँ पर H2O के जस्ट पहले फोर लिख देंगे, यहाँ पर देखिए H2O Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब हमने क्या कहा, इसको फोर करने के लिए हमने इसके आगे फोर लिख दिया, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, इन दोनों का इंटू करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, अब फोर इंटू टू मतलब एट, ऑक्सीजन भी फोर और यहाँ पर वन है, वन मतलब जो नहीं लिखा होता उसका मतलब वन होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी हो गई, फोर इंटू वन मतलब फोर, तो ऑक्सीजन तो हमारी बैलेंस हो गई, लेकिन अब हाइड्रोजन बदल गई, हाइड्रोजन हमारी कितनी हो गई, हाइड्रोजन आठ हो गई और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारी कितनी है, टू, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लें, फोर कर दें इंटू, तो ये क्या कितनी हो गई, हाइड्रोजन भी एट हो गई। इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, अब हम Fe बैलेंस करेंगे, यहाँ पर Fe वन है और यहाँ पर Fe थ्री है, तो इसको थ्री करने के लिए कभी भी हम इधर साइड कुछ नहीं लगाते, ठीक है, हमेशा कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे, इसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, थ्री लगा दिए, तो यहाँ भी थ्री फेरस हो गया और यहाँ भी थ्री फेरस हो गया, तो हमारी देखिए ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गया। अभी हम यहाँ देखते हैं फेरस कितने, तीन, यहाँ भी फेरस तीन, हाइड्रोजन एट, यहाँ भी हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन फोर, यहाँ भी ऑक्सीजन फोर, तो इस तरह से हमारी रिएक्शंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई। Fe एंड H एटम स्टिल नॉट बैलेंस, अभी जब हमने इनको किया अभी ये हमने पूरा आपको बता दिया कि कैसे हो गया, ठीक है। ये हमारी देखिए पूरी बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है। फाइनली टू चेक द
करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, हम इसकी करेक्टनेस को चेक कर लेंगे कि अभी हमने आपको चेक करके दिखाया यहाँ पे थ्री फेरस एट हाइड्रोजन एट हाइड्रोजन फोर ऑक्सीजन फोर ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गई। द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। दस मेथड ऑफ द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाई यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशियंट, इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी हम क्या कर रहे हैं, लगाते हैं हिट करते हैं फिर ट्रायल लेते हैं फिर हिट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं मालूम कि हाँ यही नंबर रख देना, हम ट्रायल ले लेते हैं नंबर, उसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। राइटिंग सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट, अब जैसे हम इनको क्या करते हैं फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, कैसे लिखे, केयरफुली एग्जामिन द एवर बैलेंस इक्वेशन, डज द इक्वेशन टेल अस द एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नो इन्फॉर्मेशन हैज बी गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। अभी जब हमने इसमें इस रिएक्शन में देखा तो हम इसके फिजिकल स्टेट किसी की भी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बता सकते, बट टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला, द गैसियस लिक्विड एक्वस एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन गैस लिक्विड एक्वस एंड द सॉलिड रिस्पेक्टिवली। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज द सोल्यूशन इन वाटर। अब इसको ज्यादा इंफॉर्मेशन, इक्वेशन से हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले इसलिए हम इनमें क्या लगा देते हैं, इसकी स्टेट भी, मैटर की स्टेट कैसी है ये भी लगा देते। जैसे देखिए यहाँ पर फेरस कैसा था, सॉलिड था, तो देखिए हमने ब्रैकेट में सॉलिड लिख दिया। वाटर कैसा था, यहाँ पर फेरस प्लस वाटर, वाटर हमारा गैसियस स्टेज में था, ठीक है, वेपर है। इसके बाद हमारा फेरिक ऑक्साइड भी सॉलिड बना और हमारा हाइड्रोजन किस स्टेज में, गैस स्टेज में। तो सॉलिड लिक्विड और एक्वस, एक्वस मतलब होता कोई चीज पानी में घुली हो, जैसे शुगर, शुगर हमारी पानी में घुली होगी तो उसको क्या कह देंगे, एक्वस। नाउ दैट द सिंबल जी इज यूज विथ H2O टू इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन वाटर इज यूज टू फॉर्म ऑफ द स्टीम, मतलब यहाँ पर स्टीम या वेपर है, वाटर नहीं है, वाटर किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, मतलब जी यहाँ पर ये बता रहे। यूजली फिजिकल स्टेट आर इंक्लूड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम, जब तक बहुत जरूरी नहीं होता, जब तक अगर ये मतलब स्पेसिफाई बताई जाती है तभी हम लिखते हैं, वैसे नॉर्मली फिजिकल स्टेट नहीं लिखी होती है। सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज द टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट एवर, देखिए इनमें अगर हमको कैटलिस्ट टेम्परेचर वगैरह भी लिखना है तो एरो के ऊपर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 340 ATM, तो ये कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम इस एरो पे लिखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर देना है किसी को, कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट प्रेजेंट है, जैसे इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इन सबको किस में लिखते हैं, एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं।